टोंक में चुनावी सभा के दौरान फिर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा राजस्थान को बांटने की हो रही है कोशिश, कांग्रेस की सरकार रहती तो देश में ब्लास्ट होती। मंगलसूत्र पर ओवैसी ने पूछा सवाल, पूछा मुसलमानों पर बयान देकर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं पीएम। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, पीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीएम के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा, सौंपना चाहते हैं घोषणा पत्र। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा पीएम ने महिलाओं का अपमान किया, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कर्नाटक के लोगों से बदला लेना चाहती है बीजेपी। चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी की हनुमान भक्ति, हनुमान जयंती पर सौरभ भरद्वाज ने ग्रेटर कैलाश में निकाली भव्य शोभा यात्रा, केजरीवाल की जल्द रिहाई की मांग। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा, बच्चों को बांटे चॉकलेट। पहले फेज में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर घटे वोटिंग परसेंटेज से शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चिंतित, कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का राजस्थान दौरा, शाम 5 बजे पाली और शाम 7 बजे जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेगी रोड शो। राजस्थान के बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी ने कंगना रनौत के प्रचार पर कसा तंज, कहा बीजेपी ने अगर काम किया होता तो एक्टर से प्रचार कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता, गुजरात के सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने पर भड़के राहुल गांधी, लिखा तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव बोले इंडिया गठबंधन को चुनो नहीं तो एनडीए को चुनो, पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन्हें वोट नहीं देने की अपील की। तेजस्वी के एनडीए को जिताने वाले बयान पर मीसा भारती बोली तेजस्वी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का पलटवार, एबीपी न्यूज से बोले तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील की, कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर तंज, बोले पहले ही हार मान चुके हैं तेजस्वी। शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव के लिए जारी किए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, चौथी बार बठिंडा से चुनाव लड़ेगी हरसिमरत कौर। अकाली दल ने जलंधर से महेंद्र सिंह केपी, लुधियाना से रणजीत सिंह ढिल्लो, होशियारपुर से सोहन सिंह टंडल, फिरोजपुर लोकसभा से नरदेव सिंह और चंडीगढ़ से हरदेव सैनी को टिकट दिया। कांग्रेस ने बिहार के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, महाराजगंज से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट। भोजपुरी अभिनेता और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह आज काराकाट में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा, धनवार से नवी नगर तक यात्रा कर लोगों से मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जाति आधारित जनगणना की मांग के समर्थन का किया वादा। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट में नहीं हुई जहर से मौत की पुष्टि, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, जांच टीम को भेजी गई रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई, 8.5 एकड़ जमीन की गलत तरीके से दाखिल खारिज कराने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता और चरणप्रीत चन्नी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। आज चौथी बार सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, बिना शर्त माफी मांगने के बाद पतंजलि की ओर से उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, लेकिन लगातार उठता धुआं बना आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी। पंजाब के बठिंडा में आग का कहर, कई झुग्गियां आग की लपटों में स्वाहा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।